Hello, good morning students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel. जैसे कि बेटा आप सबको पता कि हम 12th physics का ray optics chapter discuss कर रहे थे बहुत दिनों से. आज हम ray optics का end कर रहे हैं और जो हमारा last का topic है वो topic है resolving power. Resolving power को बेटा समझने में बहुत सारे बच्चों को complication या complicated feel होता है कि मुश्किल topic है, लेकिन बेटा बहुत आसान है. जैसे अगर हम resolving power को देखें, जैसे आपके सामने ये दो marker हैं यहां रखे हुए, तो आप इनको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं. अगर मैं इन दोनों को और पास ले आता हूं फिर भी आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, और पास ले आए फिर भी डिस्टिंग्विश कर पा. लेकिन एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जब आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, मींस कहीं ना कहीं एक मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर आप दो क्लोज रखे ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, अलग अलग देख पा रहे हो, तो वो क्या है? रिजोल्विंग पावर. मीन्स हमने ये देखा कि जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दूर दूर रखे हुए हैं, मीन्स पास रखे हुए लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम उनको आराम से अलग अलग सेपरेट कर पा रहे हैं. अगर हम इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच का, ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज कर दें फिर भी हम देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा डिस्टेंस आएगा कि आप इस पॉइंट तक तो उसको क्लियरली सेपरेट कर पा रहे थे, डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे, लेकिन अगर इसके बाद अगर मैं डिस्टेंस डिक्रीज करूं तो आप इन दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, तो वो क्या है? मिनिमम डिस्टेंस. मींस एक डिस्टेंस है कोई भी दो क्लोज रखे पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट के बीच में, कि अगर वो उतना दूर रखे हुए हैं तो हम उसको क्लियरली देख पा रहे हैं. अगर उससे कम कर दें तो हम उसको क्लियरली देख नहीं पा रहे, मतलब हमारा जो रिजोल्यूशन है वो सही नहीं है, मीन्स उस क्वालिटी का नहीं है कि हम उसको अच्छे से देख पाए. तो वही क्या है? रिजोल्विंग पावर, मीन्स एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. देखो इस चैप्टर में हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो पढ़े, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, उन दोनों की रिजोल्विंग पावर को हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है. ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस जहां तक हम क्लियरली देख पा रहे हैं वो क्या है? मिनिमम डिस्टेंस. मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू क्लोजली ऑब्जेक्ट या टू क्लोज ऑब्जेक्ट है तो हम देख पा रहे हैं, इससे ज्यादा है तो हम नहीं देख पा रहे. अब एक चीज देखो, रिजोल्यूशन पावर, मैं आरपी लिख रहा हूं, रिजोल्यूशन पावर या रिजोल्विंग पावर, वो इस डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इस पॉइंट को ऐसे समझो, कुछ बच्चों की आंखें कमजोर होती हैं, मीन्स वो इतना दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी डिस्टिंग्विश या सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी रिजोल्विंग पावर क्या है? थोड़ी कम है. अगर आप बहुत क्लोज रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी डिस्टिंग्विश या सेपरेट कर पा रहे हो तो आपकी रिजोल्यूशन पावर क्या है? ज्यादा. मीन्स जो मिनिमम डिस्टेंस इस केस में क्या है? बहुत कम है. मिनिमम डिस्टेंस कम है लेकिन फिर भी आप इसको रिजोल्व कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, सेपरेट कर पा रहे हो, तो आपकी रिजोल्विंग पावर क्या है? ज्यादा. मीन्स डी कम है तो रिजोल्विंग पावर ज्यादा है. अगर आप ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक आप सेपरेट कर पा रहे हो, इसके बाद सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो इस केस में आपकी जो रिजोल्विंग पावर है वो थोड़ी कम है. तो रिजोल्विंग पावर जो बीच का डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, उस मिनिमम डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. बहुत पास पास है फिर भी आप देख पा रहे हो तो आपकी रिजोल्विंग पावर अच्छी है. तो हम यहां से ये कह सकते हैं रिजोल्विंग पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. डी यहां पर क्या है? मिनिमम लेंथ. आई होप बेटा यहां तक क्लियर है. अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप. तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की. सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस होता है. माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है बेटा? एक कॉन्वेक्स लेंस होता है. अब कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ऐसे समझो इस बात को, ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोप या एक कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये इसका फोकस होगा, ये मान लिया फोकस. अब हमने फोकस के पास में दो ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज क्लोज रख लिए, दो ऑब्जेक्ट ऐसे रख लिए, एक यहां है और एक यहां है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है उसको मैं कह रहा हूं, कितना डिस्टेंस है? डी. अब इन दो ऑब्जेक्ट्स को हम देखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसे समझो इसको, इन जो हमारे पास लेंस है इसके दोनों कॉर्नर्स पर लाइट फॉल करवा रहे हैं. कहां लाइट फॉल करवा रहे हैं? दोनों कॉर्नर्स पर, दोनों कॉर्नर्स पर. ठीक है, कॉर्नर्स पर लाइट फॉल होगी तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा. ये एंगल हम मान लेते थीटा, ये एंगल भी हम क्या मान लेते हैं? थीटा, थीटा एंगल है. अब एक चीज देखो,
जो रिजोल्विंग पावर है, रिजोल्विंग पावर, वो डी पर क्या होती है? अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है फिर भी ये हमें अलग अलग करके दिखा रहा है, मतलब इसकी रिजोल्विंग पावर बहुत ज्यादा है। मीन्स रिजोल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, रिजोल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अब देखिए, जो रिजोल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की होती है उसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है। रिजोल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की क्या होती है? रिजोल्विंग पावर वो होती है आपकी 2μsinθ बाई में 1.22 लैम्डा। यहाँ पर कुछ बुक में सिर्फ लैम्डा लिखा हुआ, लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ? 1.22 लैम्डा। अब यहाँ ये देखिए आप, टू कॉन्स्टेंट, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? मीन्स जो इन ऑब्जेक्ट से इसके बीच का जो मीडियम है, जो यहाँ पर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, मीन्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्या है? साइन थीटा। थीटा क्या है? वो एंगल है। थीटा क्या है? एंगल किसका? जो दो क्लोज ऑब्जेक्ट रखे हुए थे उसका जो लेंस के कॉर्नर्स है। अब ये देखो, ये शेप क्या बन गई? एक कॉनिकल शेप बन गई। मीन्स जो कोन है या कॉनिकल शेप है उसके ऊपर जो एंगल बन रहा है उसका हाफ, मीन्स हाफ कॉनिकल एंगल आप कह सकते हो। क्या कह रहे? हाफ कॉनिकल एंगल, या ऐसे कह दो सेमी वर्टिकल एंगल। इसको आप और क्या कह सकते हो? सेमी वर्टिकल एंगल। लैम्डा के वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो हम लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ। अब म्यू साइन थीटा का एक और अलग से नाम होता है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है रिजोल्विंग पावर का। किसके केस में? माइक्रोस्कोप केस में। अब अगर हम यहां से डी देखें तो रिजोल्विंग पावर किसके इक्वल होगा? 1/d। डी निकालें तो क्या आ जाएगा? 1.22 लैम्डा, उल्टा कर दो 2μsinθ। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने ये देख लिया, दो क्लोज रखे हैं ऑब्जेक्ट, उनको भी एक माइक्रोस्कोप रिजोल्व कर पाता है। अगर डिस्टेंस कम है फिर भी रिजोल्व कर दे तो उसकी रिजोल्विंग पावर ज्यादा है, हाई है। अगर दूर रखें उसको भी रिजोल्व ना कर पाए तो उसकी जो रिजोल्विंग पावर है वो कम है। वो किस पर डिपेंड करेगा? बीच का लेंथ कितना है, मिनिमम लेंथ या मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहां से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां से ये है, रिजोल्विंग पावर के अंदर देखो, रिजोल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? म्यू के। मींस जो यहां पर जो हमने मीडियम फिलअप किया है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में, अगर वो मीडियम हमारा डेंसर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? हाई आएगा, तो रिजोल्विंग पावर भी बढ़ जाएगी। ये बेटा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये और एक रिजोल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? 1/λ। मीन्स जिसकी वेवलेंथ कम होगी, जैसे एक्सरे है, एक्सरे की वेवलेंथ, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर ध्यान से पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें देखा था एक्सरे उसकी वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ कम होती है तो रिजोल्विंग पावर हाई होती है, इसलिए हम उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक केस में रिजोल्विंग पावर। अब हम देखेंगे टेलीस्कोपिक केस में रिजोल्विंग पावर। अब ये देखिए, माइक्रोस्कोप में तो हमने रखा इसके पास में, जो फोकल लेंथ है उसके बिल्कुल पास में रखा ऑब्जेक्ट्स को। अगर टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप किस लिए यूज होता है? दूर रखे ऑब्जेक्ट्स के लिए। टेलीस्कोप किस लिए यूज होता है? टेलीस्कोप के केस में रिजोल्विंग पावर। मान लो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि टेलीस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, और ये ऑब्जेक्टिव है, इसके आसपास हम क्या रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास ये समझो, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा दूर है। मान लो यहां है, ठीक है, यहां से भी लाइट आई, ये कर देते हैं सेंटर।
तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेंटर के ऊपर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट पास पास है, ऑब्जेक्ट क्लोज है, मान लो एक ये ऑब्जेक्ट था और एक ये ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज हो तो थीटा भी क्या बनेगा, वेरी लो या वेरी लेस, थीटा की वैल्यू बहुत कम आएगी, वेरी लेस या वेरी लो। अगर थीटा की वैल्यू कम है तो हम इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, डी, कितना कितने दूर दूर है वो एक्चुअल में मिनिमम डिस्टेंस। और अगर हम यहां से ये कह देंगे कितना दूर है, एल लेंथ दूर है, ठीक है। अब ये देखो इस केस में जो हमारे पास रिजोल्विंग पावर होती है वो डिनोमिनेटर सेम है 1.22 लैम्डा और ऊपर क्या है डी। इस केस में डी हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ लेंस, जो हम लेंस यूज कर रहे हैं इसका डायमीटर, या आप ऐसे कह सकते हो लेंस का अपर्चर, या आप क्या कह सकते हो अपर्चर, डायमीटर ऑफ लेंस और अपर्चर, और जो लैम्डा है वो क्या है, वेवलेंथ। अब रिजोल्विंग पावर हमने ऐसे कर लिया। अब एक चीज देखो, अगर थीटा हमारे पास कम है, मींस दो ऑब्जेक्ट का है बिल्कुल पास पास है, इससे दिखाऊं आपको, दो ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल पास पास है तो उनका जो एंगल बनेगा ये बनेगा डी थीटा या स्मॉल थीटा। जितने दो ऑब्जेक्ट्स पास पास हैं, क्लोज क्लोज हैं, थीटा क्या बनेगा, स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है फिर भी हम उन दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर पा रहे हैं तो रिजोल्विंग पावर क्या है, ज्यादा। मींस रिजोल्विंग पावर किस पर डिपेंड कर रही है, थीटा के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट लार्ज है, मींस दोनों ऑब्जेक्ट दूर दूर रखे हुए हैं, तो जो थीटा बनेगा लार्ज बनेगा, उस केस में हम उसको देख पाएंगे। अगर दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास पास हैं और फिर भी हम उसको देख पा रहे हैं, तो हमारे पास जो पास पास ऑब्जेक्ट है क्लोज, तो जो थीटा की वैल्यू बहुत कम आएगी, फिर भी हम देख पा रहे हैं, मतलब जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज किया टेलीस्कोप उसकी रिजोल्विंग पावर बहुत ज्यादा है। तो रिजोल्विंग पावर किस पर डिपेंड करेगी, 1/थीटा। तो यहां से अगर हम 1/थीटा करें तो क्या आ जाएगा, डी बाई में 1.22 लैम्डा, या थीटा करें तो क्या आ गया, 1.22 लैम्डा बाई में। एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक और पॉइंट क्लियर हो रहा है, टेलीस्कोप के केस में हमने ये कहा था कि जो डायामीटर है, कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जितना हो सके उतना बड़ा लेना है, यही बात यहां से भी आ रही है, उतनी ज्यादा रिजोल्विंग होगी ऑब्जेक्ट की जितना बड़ा डायामीटर होगा। तो हम चाहेंगे डायामीटर बहुत बड़ा हो, तो क्लोज से क्लोज रखे ऑब्जेक्ट को भी रिजोल्व हम ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा रिजोल्विंग पावर होगी। तो ये था हमारा एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या नाम है, रिजोल्विंग पावर, मीन्स दो क्लोज क्लोज रखे ऑब्जेक्ट्स को हम कितना रिजोल्यूशन के साथ, कितना क्लोजली रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम सेपरेटली देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट एंड दैट्स द एंड ऑफ रे ऑप्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, तब तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।